लगातार काफी ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें 18 से कम उम्र की लड़की सहमति से बने संबंधों में प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद लड़की के परिजन लड़के पर अपनी बच्ची को बहलाने का आरोप लगाते हैं, कोर्ट केस तक हो जाते हैं और कई बार किशोर जेल चला जाता है। इसके बाद इसमें बातें होती हैं कि एक तरफा होना बिल्कुल गलत है, लेकिन कानून बातों से कहां चलता है। इससे जुड़ा है एक खास कानून, उसका नाम है रोमियो जूलियट एक्ट। क्या कहता है ये कानून, आइए जानते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है नीतू और आप देख रहे हैं INS TV। हाल में सुप्रीम कोर्ट में रोमियो जूलियट कानून से जुड़ी अर्जी दायर हुई थी जिसमें किशोरों को इम्यूनिटी देने की मांग की गई थी। आमतौर पर 18 साल से कम उम्र के किशोर अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए और लड़की अगर गर्भवती हो जाए तो लड़के पर दुष्कर्म का अपराध दर्ज होता ही आया है। फिलहाल बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ये लागू है। इसमें सहमति का कोई मतलब नहीं होता। अगर किशोर के साथ यौन संबंध बने तो वो क्राइम ही कहलाएगा। इसी तरह से धारा 375 के तहत 16 साल से कम उम्र की लड़की संबंध के लिए रजामंदी है तो भी इसका कोई मतलब नहीं होता और पेरेंट्स के शिकायत पर लड़के पर रेप केस दर्ज होता ही है। अब क्या है रोमियो जूलियट एक्ट ये भी जानते हैं। रोमियो जूलियट कानून रजामंदी वाले मामलों में लड़कों को प्रोटेक्शन देता है। इसमें मांग की गई है कि कोर्ट कम से कम 16 से 18 साल के टीनेजर्स के बीच स्वेच्छा से बने संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दे। इससे छोटी उम्र पर सजा का प्रावधान लागू रहे। याचिका में तर्क दिया गया है कि आजकल के टीनेजर्स के पास इतना दिमाग है कि वे सोच समझकर ही अपना कदम उठाते हैं। ऐसे में एक पक्ष को परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता है। रोमियो जूलियट एक्ट हालांकि लड़के को सब कुछ खास स्थितियों में ही इम्यूनिटी देता है। अगर दोनों पक्षों की उम्र में ज्यादा फासला हो, जैसे कि लड़की 13 और लड़का 18, यानी कि 4 से ज्यादा का अंतर हो, तो लड़के पर हर हाल में रेप केस का दर्ज होगा। इसकी जरूरत क्यों हुई महसूस, आइए ये भी जानते हैं। ये पहली बार नहीं है। याचिका दायर होने से पहले खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि पॉक्सो जैसे कानून की वजह से सहमति से बने संबंधों में भी एक पक्ष ज्यादा परेशानी झेलता है, जबकि उम्र के बाद बच्चे अपने मन और शक्ति का जोखिम समझते हुए फैसला ले पाते हैं। बता दें कि यह कानून विदेशों में काफी पहले से अपनाया जा चुका है। बहुत से देश रोमियो जूलियट एक्ट के तहत नाबालिगों को यौन संबंध में इम्यूनिटी देते आए, अगर वो सहमति हो तो। हर देश में कंसेंट की एक अलग एज होती है। इस एज को कंसेंट ऑफ रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस पर वैसे भी बहुत बवाल होता आया है क्योंकि जापान में सहमति की उम्र 13 साल है। इस पे लड़कियों के पेरेंट्स का मानना है कि ये कच्ची उम्र है जिसमें बहलाना फुसलाना काफी आसान हो जाता है। क्या खतरे हैं इस एक्ट के, आइए ये भी जानते हैं। कई दक्षिणी अफ्रीका देशों में सहमति की उम्र और भी कम है। इस पर लगातार सवाल उठते आए कि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाए या फिर किसी यौन बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे बचाने वाला कौन होगा। मानव अधिकार संस्थानों का ये भी कहना है कि कंसेंट की कम उम्र के चलते टीनेज प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद अक्सर लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है और वो छोटी मोटी नौकरियां करने पर मजबूर हो जाती है। इस बात के हवाले से ये सहमति की आयु में बदलाव की बात होती आ रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ वैसा ही चल रहा है।